हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ आर सी देवीवाल, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी सी एल सी सीकर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम पीछे जो बात कर चुके हैं अप टू कार्बोनिल कंपाउंड तक, हम नीट 2013 टू 2019 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और साथ के साथ हमने उन क्वेश्चन से रिगार्डिंग कंसेप्ट को भी सीखने की कोशिश की है। ये जितने भी वीडियो आप जो देख रहे हैं वो हमारे सी एल सी सीकर के पेज पे, आप सी एल सी सीकर फेसबुक पे देख सकते हैं, सी एल सी सीकर यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री तीनों के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आज का जो हमारा फाइनल लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे एन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की, साथ में पॉलीमर की, बायोमोलिक्यूल की और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन NO2 एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है और ए आपको रिएजेंट पूछा है कि इसको इसमें चेंज करना है, इसके लिए ए क्या हो सकता है। तो आपको पता होगा कि जो डाई एजोनियम सोल्ट है, मैं साइड में यहाँ रिएक्शन बता रहा हूँ, जो डाई एजोनियम सोल्ट है इसको यदि आपको बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ इसका रिडक्शन करवाना है और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करना है, बेंजीन अगर बनाना है, इस क्वेश्चन में भी यही किया है, इस ग्रुप की जगह एच आया है, तो उसके लिए डिफरेंट रिएजेंट हम यूज में ले सकते हैं। और डिफरेंट रिएजेंट कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं कि आप ले सकते हो H3PO2 यूज में ले सकते हो, C2H5OH यूज में ले सकते हो, HCOH यूज में ले सकते हो। ये तीनों ही रिएजेंट डाई एजोनियम सोल्ट को बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला H3PO2 एंड H2O डेफिनेटली कन्वर्ट करेगा, फर्स्ट सही है। H+H2O हाइड्रोलाइसिस नहीं, इसमें क्या बनेगा, अगर ये डालोगे तो फिनोल बनता है, डाइजोनियम सोल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ अगर उसमें बात करें तो वहाँ इससे रिएक्शन कराओगे तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास NO2 BR और OH, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, बट ये नहीं बनाना हमें। HgSO4 और H2SO4 एल्काइन का हाइड्रेशन होता है, इसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl ये गाटरमान रिएक्शन होती है, Cl जोड़ता है, तो इसका भी यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे बोला, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है और आपसे पूछा है कि एक कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है जिसको बोला है येलो डाई, और ये जो येलो डाई है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपसे पूछा है, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम सोल्व करें, इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो ये रिएक्शन है एग्जाम्पल ऑफ कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, कपलिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और कपलिंग रिएक्शन जो होती है वो पीएच कंट्रोलिंग रिएक्शन होती है। यदि आप डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन फिनोल से करवाते हो तो वहां वो रिएक्शन होती है पीएच 9-10 के बीच में, और यदि आप एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वो होती है पीएच 4-5 के बीच में, एसिडिक मीडियम में, इसलिए आपको यहां एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। और जो कपलिंग रिएक्शन है वो है एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी किसका एग्जाम्पल है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। और कौन सी पेरा पोर्शन पे होती है, अकर 8 पेरा पोजिशन, और किस पोर्शन पे होती है ये, पेरा पोर्शन पे, क्योंकि NH2 यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और डाइजोनियम सोल्ट यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये जो है वो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव है, बट ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप जुड़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो पेरा पोर्शन से बनेगा। यदि ऑर्थो पोर्शन ऑलरेडी ऑक्यूपाई है या पेरा पोर्शन ऑलरेडी ऑक्यूपाई है तो फिर रिएक्शन ऑर्थो पोर्शन पे हो सकती है। तो यहां देखें, बात करें कि यहां आपके पास ये दिया हुआ है एन, ये पॉजिटिव और ये एन, ये डाइजोनियम सोल्ट है, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको एनिलीन से, और ये एनिलीन ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव, इसकी पेरा पोर्शन ये है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये इस पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा।
तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनने वाला है, मैं इसको पी एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं, पी एच एन डबल बॉन्ड एन, और ये इधर इस रिंग से जुड़ चुका है और ये एन एच टू, और यहां अगर बात करें तो इस पोजिशन पे आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ऐसे दिखा देते हैं अपन, पी एच एन डबल बॉन्ड एन, और ये रिंग, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और ये एन एच टू, और यहां पॉजिटिव। अब हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ते हैं कि जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उसी पोजीशन से H प्लस क्या होता है, बाहर होता है। तो पैरा पोजीशन से यहां से H प्लस क्या हो जाएगा, बाहर, और सिस्टम में वापस से एरोमेटिसिटी आ जाएगी। ऐसा प्रोडक्ट अगर हम देखें तो ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास फोर्थ में है, तो जो आंसर जाएगा इस रिएक्शन का वो जाएगा फोर्थ, फोर्थ इस रिएक्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखें, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। तो ये क्वेश्चन कार्बोनिल कंपाउंड में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस कंपाउंड को मैंने बोला था कि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में इन्वॉल्व होती है, और जो ऐसा ऑप्शन है वो हमारे पास थर्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो देखो, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। नाइट्रोजन, नाइट्रोबेंजीन का जो एनसीईआरटी बुक में जो रिडक्शन है वो केवल ये है कि जब आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन एसिडिक मीडियम में एसएन प्लस एचसीएल या फिर एफई प्लस एचसीएल या फिर जेडएन प्लस एचसीएल से करवाते हो, तो ये एसिडिक मीडियम में रिडक्शन हो रहा है, तब ये बन जाता है NH2 में रिड्यूस हो जाता है। एनसीईआरटी में केवल इतना ही रिडक्शन दिया हुआ है, बट आप देखोगे तो नाइट्रोबेंजीन का डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से रिडक्शन होता है। बेसिक मीडियम में कुछ और बनता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में कुछ और प्रोडक्ट आता है, न्यूट्रल मीडियम में कुछ और प्रोडक्ट आता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है वो भी पीएच कंट्रोलिंग रिडक्शन है। तो मैं यहां जो बात कर रहा हूं वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात करने वाला हूं। देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 डिपेंड अपॉन पीएच। इसको आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आते हैं यहां से डिपेंड अपॉन पीएच, ये पीएच पे डिपेंड करता है कि पीएच आपको कैसा दिया हुआ है। यदि आपको वीक एसिडिक मीडियम दिया हुआ है या स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, तो इन वीक एसिडिक मीडियम, अगर वीक एसिडिक मीडियम दिया हुआ है देन रिड्यूस्ड इन C6H5NH2, तब तो ये एनिलीन में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अगर आपने इसका करवाया है और वीक एसिडिक मीडियम लिया है, तब तो ये एनिलीन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बट हमारे यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, और स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कैसे होता है उसके बारे में मैं बात करता हूं। देखें, नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रो रिडक्शन, और वो भी मैं ले रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, वो भी किस में ले रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन करवा रहे हैं। तब ये पहले तो कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सिल एमीन में NHOH, और हाइड्रोक्सिल एमीन आगे रीअरेंज्ड हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरा एमिनो फिनोल में, ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन दो तरीके से होगा, वीक एसिडिक मीडियम में एनिलीन बनेगा,
और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में पहले हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा जो आगे रीअरेंज्ड होके पैरा एमिनोफिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा अगर हम बात करें तो पैरा एमिनोफिनोल हमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन बाय द रिएक्शन। आप यहां देखें इस रिएक्शन में हुआ क्या है, तो मैं आपको यह बता देता हूं कि NH बॉन्ड और OH बॉन्ड, इस रिएक्शन का कंसेप्ट देखना, अगर NH बॉन्ड और OH बॉन्ड इस रिएक्शन, इस कंपाउंड की रिएक्शन में ClCOCH3 से करवाऊं और रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो यहां से HCl बार हो जाएगा और यहां से भी HCl बार हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन, चाहे NH ग्रुप हो चाहे OH ग्रुप हो। तो NH ग्रुप में ये वाला बनेगा N CO और ये CH3, मतलब H ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप आ गया, एसाइल ग्रुप। इसको हम बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है एसाइलेशन रिएक्शन। बट यदि मैं इस NH ग्रुप की रिएक्शन ClCOC6H5 से करवाता हूं तो वही HCl बाहर होगा, सेम इसी वैसे होगी, वही पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NCOC6H5। यहां तो एसाइल ग्रुप जुड़ा था इसलिए एसाइल बोला है, यहां बेंजोइल ग्रुप जुड़ा है इसलिए इस रिएक्शन का नाम है बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन, या फिर इस रिएक्शन का एक और नाम है वो है SBR, मतलब सोटन बोमान रिएक्शन। जब बेंजोइलेशन होता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सोटन बोमान रिएक्शन। तो आप यहां से देखें, ये जो H है यहां से HCl बाहर हुआ है और ये वाला ग्रुप आया है, बेंजोइलेशन हुआ है, इस रिएक्शन का नाम है वो है सोटन बोमान रिएक्शन, इसलिए आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड, सोटन बोमान रिएक्शन। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एराइल एमीन। तो इस क्वेश्चन को भी हमने जीओसी वाले चैप्टर में हमने डिसाइड ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है, वहां मैंने ये बोला है कि एराइल एमीन जो है, ये एराइल एमीन जो है मतलब एरोमेटिक एमीन जो है वो लेस बेसिक होती है कंपेरेटिव टू एलिफेटिक एमीन से। लेस बेसिक क्यों होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग के साथ क्या दिखा रहे हैं, रेजोनेंस दिखा रहे हैं, और रेजोनेंस दिखा रहे हैं तो जो कमिंग जो प्रोटॉन है उसको इजीली अवेलेबल नहीं होते, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यदि नाइट्रोजन के लोन पे डिलोकलाइज हो रहे हैं और दूसरे कंपाउंड से मैं अगर कंपेरिजन करूं जिसमें डिलोकलाइज नहीं हो रहे हैं, तो डिलोकलाइज अगर लोन पेयर हो रहे हैं तो उस कंपाउंड की बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। ऐसा ऑप्शन देखें तो यहां पे हम बोलें कि एराइल एमीन आर जनरली लेस बेसिक देन एल्काइल एमीन बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो वहां डिलोकलाइज हो रहे हैं इसलिए आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। ओके, ऑलरेडी हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, नीट फेज सेकंड 2016 में आया। इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, आपको नंबर दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम 2 पे है या 3 पे है या 4 पे है या 5 पे है या 1 पे है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि अगर मैं मान लो कि 2 और 5 तो सेम ही पोजीशन है, 3 और 4 भी क्या है, सेम पोजीशन है, 2 और 5 भी सेम पोजीशन है, 3 और 4 भी सेम पोजीशन है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 पे है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर लेके आऊं, नेगेटिव चार्ज लेके आऊं, तो यहां पॉजिटिव और यहां क्या आ गया, नेगेटिव, और यहां आपके पास ये क्या है, बॉन्ड। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां मानूं एक बार मैक्सिमम, हो सकता है मैं मैक्सिमम यहां ना मान के मैक्सिमम मानूं कितने नंबर पे, 3 नंबर पे मैंने बोला 3 और 4 क्या है, सेम। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ये NH और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर रोटेट हो जाए तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये, तो ये दो केस हैं कि मैं नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में 2 नंबर पे लेके आया और एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में 3 नंबर पे लेके आया। मैं ये बोल रहा हूं ध्यान रखें 3 और 4 सेम नंबर है, सेम पोजीशन है, 2 और 5 भी सेम पोजीशन है। अब आप देखें यदि नेगेटिव चार्ज यहां है, यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मानूं, तो ये जो पीछे कार्बोकेटायन बचा ये रेजोनेंस से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, और हैव या फिर मैं बोल दूं कि स्टेबलाइज
स्टेबलाइज बाय टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे? एक बार ये गया, फिर पॉजिटिव आया, फिर नाइट्रोजन के साथ रेजोनेंस, तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज है। इसकी बात करूं तो ये भी यहां पे पॉजिटिव चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई ना, इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ गया, ये पॉजिटिव, तो ये जो है वो है स्टेबलाइज्ड बाय वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये किससे स्टेबल है? ओनली एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से है। तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहां आएगी? जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रही है। और वो कहां बन रही है? दो नंबर पे नेगेटिव चार्ज लेने पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रही है। इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 पे और 5 पे है। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास थर्ड है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड? तो देखो, नाइट्रस एसिड जो है, नाइट्रस अम्ल जो है वो होता है HNO2, और इसको हम इस रिएजेंट को यूज लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड में डिस्टिंग्विश करने के लिए। आपने अगर एल्कोहल का टेस्ट पढ़ा होगा, विक्टर में टेस्ट, तो उसमें देखा होगा पहले एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, उसके बाद एल्काइल आयोडाइड से हम नाइट्रो कंपाउंड बनाते हैं, फिर नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाते हैं, तो डिफरेंट कंपाउंड के डिफरेंट कलर आते हैं, उससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये कंसेप्ट से उसी से रिगार्डिंग है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में हम यहां भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखो, बट ये HNO2 के साथ रिएक्शन क्या होती है कि ये जो है CH3 और ये NO2, ये जो H क्या है, एसिडिक नेचर की है, एसिडिक इन नेचर, 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड तो एसिडिक नेचर का होगा। अब अगर बात करें 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड में, देखो अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो रिएक्शन हो जाएगी, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन होगी कैसे? ये NO2 CH और ये RH और ये NO2, ये बोला मैंने 1 डिग्री, और नाइट्रस एसिड है OHNO2, यहां से H2 क्या हो जाएगा बाहर, और ये 1 डिग्री के साथ यहां जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RCHNO2 और ये यहां पे HNO2, सॉरी यहां पे आपके पास जुड़ गया NO, और ये कंपाउंड NaOH के साथ रिएक्शन करके रेड कलर देता है। ये तो 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड की। 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड की अगर बात करें तो भी रिएक्शन हो जाएगी, R ये C, ये CH3H और ये NO2, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है और ये OH N डबल बॉन्ड O और ये OH, यहां अगर बात करें तो यहां भी रिएक्शन हो जाएगी, एसिडिक हाइड्रोजन यहां भी प्रेजेंट है। तो इन दोनों ही केस में 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड और 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड, यहां ये दोनों हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी, सॉरी दोनों हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी और यहां बन जाएगा ये कार्बन और यहां पे डबल बॉन्ड N। तो ये जो रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन 1 डिग्री और 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड के साथ होती है, 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड के साथ नाइट्रस एसिड रिएक्शन नहीं करता। तो इसका की पॉइंट ये है कि 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड, इस चीज को ध्यान रखिए, 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट विथ HNO2, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इसकी बात करें तो यहां वाला, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड, ये कितनी डिग्री है, 3 डिग्री, और ये कितनी डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, और ये कितनी डिग्री हो गया, ये हो गया 2 डिग्री। तो कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा? 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करेगा। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, ए गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है, ए रिएक्ट विथ SnHCl फॉलोड बाई HNO2, पहले SnHCl से रिएक्शन करना है, एक कंपाउंड है ओके, उसकी रिएक्शन करवानी है आपको Sn+HCl से, SnHCl से, और फिर उसके बाद रिएक्शन करवानी है HNO2 से, तो आपके पास एक अनस्टेबल कंपाउंड क्या बनता है, बी बनता है। फिर बी ऑन ट्रीटमेंट विथ फिनोल, बी की रिएक्शन फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास फॉर्म ए ब्यूटीफुल कलर कंपाउंड सी,
और इस सी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो है C12H10N2O, ये वाला कंपाउंड बनता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए, तो सीधा सा मतलब है कि यहां से बी से जो है सी जो कलर्ड कंपाउंड बना है, ये वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, कपलिंग रिएक्शन। और ए जो है वो है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की SN प्लस HCl के साथ रिएक्शन होगी तो पहले बनेगा एनिलीन, फिर एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाओगे तो हमें पता है एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ एक कंपाउंड बनाता है एरिल डाइजोनियम सॉल्ट, और एरिल डाइजोनियम सॉल्ट वाला ये वाला कंपाउंड बनेगा और ये कंपाउंड फिर रिएक्ट करेगा किससे, फिनोल से। तो कपलिंग रिएक्शन के द्वारा जो कंपाउंड बनेगा, जो अभी मैंने कपलिंग रिएक्शन की पीछे वाले क्वेश्चन में मैकेनिज्म बताई है, एन डबल बॉन्ड एन और ये ओ एच, ये कंपाउंड जो होगा वो होगा ऑरेंज डाई, और ये कंपाउंड इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो जो कंपाउंड ए है वो है अपने पास नाइट्रो बेंजीन, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिवन मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज ऑफ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम ये बात करते हैं कि जो एनिलीन है, एनिलीन जो कंपाउंड है वो NH2 का क्या लगता है, प्लस आर लगता है, और हम ये बोलते हैं कि प्लस आर वाले ग्रुप कौन से होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं। तो जब मैं एनिलीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो केवल ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए, बट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव मेटा नाइट्रो एनिलीन, कि मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों बनता है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जब आप HNO3 और प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हो, जो नाइट्रेटिंग मिक्सर है, नाइट्रेशन इसी रिएजेंट से होता है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, तो आपके पास तीन तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है NH2NO2, एक बनता है NH2 और ये NO2, और एक बनता है NH2 और ये NO2। इस वाला प्रोडक्ट का परसेंटेज आता है 51%, ये आता है 47% और ये वाला आता है 2%। तो ये वाला मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों आया है, उसका रीजन इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों आया है। इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है उसके बारे में, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों आया। तो देखिए, आप जैसे ही नाइट्रो एनिलीन, आपने एनिलीन लिया है और रिएजेंट लिया है आपने H2SO4 और HNO3, तो मुझे पता है कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और ये H प्लस यहां से क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NH3+ और HSO4-। इस कंपाउंड का नाम है एनिलीनियम आयन, इस कंपाउंड का जो नाम है वो है एनिलीनियम आयन। और अगर इस कंपाउंड की बात करूं तो देखो यहां पे ये NH3+ इस रिंग को क्या नहीं कर पा रहा है, एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा पा रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो तीनों पोर्शन पे जाएगा, ऑर्थो पे भी जाएगा, मेटा पे भी जाएगा और पेरा पे भी जाएगा। अगर ये रिएक्शन नहीं होती, एनिलीनियम आयन नहीं बनता, तो केवल क्या बनना चाहिए था, ऑर्थो पेरा बनना चाहिए था, बट सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी जिससे एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, और जो एनिलीनियम आयन है वो आगे रिएक्ट करेगा तब वो मेटा प्रोडक्ट भी बनाएगा, इसलिए मेटा प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो आपके पास है, देखो इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, दूसरा बोला है इन इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एमिनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिव, तो नहीं, ये तो गलत हो गया। तो आंसर जो एनिलीनियम आयन बना तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकेंड, बाकी इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप, बाकी और कोई ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, आप देख सकते हो, तो करेक्ट आंसर सेकेंड। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंपाउंड दिया है, स्ट्रॉन्ग हीट किया है, वेल नोन रिएक्शन है। सबसे पहले इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो इस कंपाउंड का नेमिंग आपको पता होना चाहिए, इस कंपाउंड का नाम है वो है थैलिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम जो है वो थैलिक एसिड। अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी तो सबसे पहले बनेगा
COH और ये COH, ये थैलिक एसिड है, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी H2NH और ये H2 यहां से H2O क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा। ये H2O बाहर होने के बाद जो बनेगा, ये जो रिएक्शन हुई है वो हुई है एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये बना आपके पास ये वाला कंपाउंड CONH2 और ये CONH2। इस कंपाउंड का नाम है थैलेमाइड। स्ट्रॉन्गली हिट किया है तो यहां से भी NH3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और यहां से NH3 बाहर होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो ये वाला बनेगा CONH और ये CONH और इस कंपाउंड का नाम है थैलेमाइड, जिसको हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन में यूज लेते हैं। दिस इज रिएजेंट फॉर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम 1 डिग्री एमीन बनाने का मेथड है। तो आंसर अगर हम चेक करें तो ऐसा आंसर हमारे पास फोर्थ है, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूट एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखें, अगर एमीन की बेसिसिटी एक्वस सॉल्यूशन में, बेसिसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, अगर एक्वस सॉल्यूशन में हम बेसिसिटी की बात करें तो वो डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है और वो कौन से हैं? पहला है सॉल्वेशन एनर्जी, इंडक्टिव इफेक्ट और एक है स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर मैं बोल दूं साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। इन तीन फैक्टर पे बेसिसिटी डिपेंड करती है एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए हम किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की बात यहां पे नहीं करते हैं। अच्छा, यदि गैसेस स्टेट की बात करते हैं तो गैसेस स्टेट में एलिफेटिक एमीन की बेसिसिटी केवल इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करती है और जहां इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई मैक्सिमम होगा वहां बेसिसिटी मैक्सिमम होगी। तो अगर जैसे मैं बात करूं यहां पे कि अगर गैसेस स्टेट में बात करता तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एमीन बेसिसिटी का क्या आ जाता, ऑर्डर आ जाता। बट ये किस में बात हो रही है, ये हो रही है गैसियस स्टेट में और गैसियस स्टेट में केवल इंडक्टिव इफेक्ट में बात हुई क्योंकि यहां 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई लगेगा, यहां 2 का लगेगा, यहां 1 का लगेगा और हम बोलते हैं कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। बट यहां 3 फैक्टर है और तीनों फैक्टर में जो बेसिसिटी, जो तीनों फैक्टर को अगर मिला के हम बात करें बेसिसिटी की तो अलग अलग आएगा क्योंकि सॉल्वेशन एनर्जी 1 डिग्री एमीन की मैक्सिमम होगी। जबकि बात हम ये करेंगे कि प्लस आई की अगर बात करें तो सॉल्वेशन एनर्जी 1 डिग्री एमीन की मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि 1 डिग्री एमीन अगर बेसिसिटी शो करेगा तो बनाएगा आर एन एच 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 और ये वाला, और ये वाला स्टेबलाइज होगा ऐसे OH2 और OH2 ऐसे क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा, ऐसे स्टेबलाइज हो रहा है तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उससे कॉन्जुकेटेड एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, साथ के साथ सॉल्वेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। बट ये जो वाटर का मॉलिक्यूल इस पे अप्रोच कर रहा है वो इस एल्काइल ग्रुप की साइज पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि ये होता है हाइड्रोफोबिक, इसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा H2O की यहां अप्रोच करने की टेंडेंसी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे इन फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो इन तीनों फैक्टर को मिला के अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर हम बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो ऑर्डर क्या आएगा, तो उस ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं। देखें, आप ऐसे ध्यान रखें कि यदि एल्काइल ग्रुप CH3 है तो बेसिसिटी ऑर्डर जो आएगा एक्वस सॉल्यूशन में वो 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। अगर एल्काइल ग्रुप इथाइल है तो आएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री ऑर्डर आएगा
और ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हमें यहाँ मिथाइल एमीन दिया हुआ है और मिथाइल एमीन में 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा और जनरली 2 डिग्री एमीन ज़्यादा बेसिक होती है, तो यहाँ जो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड, थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पॉलीमर वाले चैप्टर से, नायलॉन इज एन एग्जांपल ऑफ, कि नायलॉन किसका एग्जांपल है। तो नायलॉन की बात करें तो नायलॉन में एमाइड लिंकेज होता है और इस लिंकेज वाले जितने भी पॉलीमर हैं उनके प्रीफिक्स में हम नायलॉन वर्ड का यूज में लेते हैं और इस वाला जो लिंकेज है वो है एमाइड लिंकेज वाला, मतलब पॉली एमाइड, जिसके आप एग्जांपल पढ़ते हो एनसीईआरटी में, नायलॉन 6-6, नायलॉन 6 और नायलॉन 6-2, ये तीन एग्जांपल हैं जो आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं जो नायलॉन के एग्जांपल हैं, मतलब एमाइड लिंकेज अगर है तो उसको हम नायलॉन के एग्जांपल में कंसिडर कर सकते हैं। देखो यहाँ पॉलीमर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें हो सकता है कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन तो मैं करूंगा ही, साथ में कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी होगी कि किस पॉलीमर का क्या एप्लीकेशन है। और बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री एंड लाइफ, इनसे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इन चैप्टर्स को आप ढंग से रिवाइज करें और ढंग से इनको लर्न करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपसे बोला है विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन द फॉलोइंग, तो मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि नियोप्रीन जो है वो है एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर। तो ये अदर इंफॉर्मेशन भी आप ध्यान रखें कि नियोप्रीन जो है वो सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है। और नियोप्रीन बनता कैसे है आप देखें, आइसोप्रीन जो है भाई ये लूं मैं CH2 डबल बॉन्ड CHC और CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये है आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन जो एग्जाम्पल है वो है नेचुरल रबर की मोनोमेरिक यूनिट का, नेचुरल रबर की मोनोमेरिक यूनिट होती है आइसोप्रीन। और यदि इस CH3 को यहां से अगर मैं रिमूव करूं और इसकी जगह अगर मैं लगा दूं CL, तो इस कंपाउंड का जो नाम बनता है वो हो जाता है क्लोरोप्रीन। और इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो आपको पॉलीमराइजेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये आगे बॉन्डेड हो जाएगा, तो यहां इसके पॉलीमराइजेशन से जो बनेगा वो CH2CH डबल बॉन्ड CL और CH2, इस रबर को हम बोलते हैं नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन। तो यहां बोला है कि विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, तो नियोप्रीन का जो मोनोमर है वो ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा जिसको मैंने बोला है क्लोरोप्रीन। तो आपको 2 यूनिट मैंने बताई है, अगर आपको आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर आती है तो इस सीएल की जगह CH3 लगाओ तो आइसोप्रीन, और CH3 को हटा के CL लगा दोगे तो वो क्लोरोप्रीन बन जाएगा। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। पॉलीमर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बेस्ड पे पॉलीमर को 4 पार्टों में क्लासिफाई किया गया है। आपने देखा होगा इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये 4 पार्टों में डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ वो रबर दिया हुआ है और अभी हमने इसके बारे में बात की है कि ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज नियोप्रीन और ये क्या है आर्टिफिशियल रबर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया इलास्टोमर्स का। सेकंड दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोरीन, आपको दिया हुआ है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोरीन और ये एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का। ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ये एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का। तीसरा एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो कि यहां अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये एग्जाम्पल है किसका, नायलॉन 6-6 का, और नायलॉन 6-6 का एग्जाम्पल है तो इसको हम कंसिडर करते हैं फाइबर्स में, ये फाइबर्स का एग्जाम्पल हुआ। और फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर का,
या फिर मैं बोल दूं रेजिन का। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो सबसे पुरानी जो पॉलीमर है वो है, और ये एग्जांपल है वो है थर्मोसेटिंग का। ये आप एनसीईआरटी पढ़ें, और यहाँ भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि किसको किस कंडीशन में रखेंगे। थर्मोसेटिंग पॉलीमर मतलब ऐसे पॉलीमर जिनको हम एक बार यूज में लेने के बाद अगर उनको हम फ्यूज्ड कर दें तो वापस से उनका यूज नहीं किया जा सकता। दिस क्लास नोन एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। हमसे यही पूछा है कि एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग पॉलीमर का कौन सा है, तो आंसर जाएगा फोर्थ। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीएस्टर। तो आप यहां से देखिए कि पॉलीएस्टर का मतलब यह हुआ कि उसमें कौन सा लिंकेज होना चाहिए, एस्टर लिंकेज होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो एस्टर लिंकेज कहां बनेगा, आप इस ऑप्शन को देखें, टर्थेलिक एसिड। टर्थेलिक एसिड इसको बोलते हैं, दिस इज टर्थेलिक एसिड, ये टर्थेलिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन करवाइए इथाइलिन ग्लाइकोल से, तो OHCH2 और CH2OH। तो यहां से हमें पता है कि H2O क्या होगा, बाहर होगा, तो इसका OH चला जाएगा, आगे पॉलीमराइज होगा तो उसका OH भी जाएगा, तो ये बना CO, और ये रिंग इधर आपके पास CO, और इधर आपके पास एक ऑक्सीजन, और ये CH2, इसका H भी रिमूव हो जाएगा, ये O। तो ये वाला जो पॉलीमर है इसका नाम है डेक्रोन। इस पॉलीमर का नाम है वो है डेक्रोन, और ये एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर का, क्योंकि आप यहाँ लिंकेज देख सकते हो, ये है एस्टर लिंकेज। तो जो डेक्रोन बनेगा वो बनेगा टर्थेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल से। ऑप्शन और देखें, प्रोपाइलिन एंड पेरा, प्रोपाइलिन नहीं करेगा रिएक्शन, बेंजोइक एसिड एंड एथेनॉल, एस्टर बनेगा केवल, पॉलीएस्टर नहीं बनेगा। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। कि ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनता है, मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब क्या है, ऐसे पॉलीमर जिनको हम डिग्रेड कर सकते हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक PHBV पॉलीहाइड्रोक्सीको ब्यूटायरेट वेलेरेट, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है नाइलोन 2,6, ये वाले एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब हम बांटते हैं ग्लाइसिन, तो आपको पता है कि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लाइसिन होता है वो होता है HNH2, और ये CH2, और ये COH, इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। फिर आपसे बोला है एमिनो कैप्रोइक एसिड, एमिनो कैप्रोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HNH, और ये CH2, और ये COH, दिस इज एमिनो कैप्रोइक एसिड। पॉलीमराइजेशन होगा N, तो यहां से ये H2 बाहर होगा, एमाइड लिंक किया जाएगा, इधर से जब पॉलीमराइजेशन होगा तो ये H भी चला जाएगा, आगे बढ़ेगा तो इधर तो बचा NH, और ये CH2CONH CH2 5, और ये CO, ये OH भी आगे निकल जाएगा, तो ये वाला पॉलीमर बनेगा। इस पॉलीमर की बात करें तो इधर देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इधर कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा नाइलोन। तो क्यों बोला, क्योंकि एमाइड लिंकेज है, 2 और 6, 2 इधर वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 इन कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नाइलोन 2,6 बना है। तो यहां जो एग्जांपल आएगा नाइलोन 2, नाइलोन 6, सेकंड इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, कैप्रोलेक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कैप्रोलेक्टम हम इस कंपाउंड को बोलते हैं, दिस इज कैप्रोलेक्टम। इस कंपाउंड को हम कैप्रोलेक्टम बोलते हैं, और जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं और हीट लेते हैं तो पहले इसका यहां से हाइड्रोलाइसिस होगा, इधर OH बनेगा, इधर H बनेगा, इधर बनेगा OHCO, और ये CH2 5, और ये NH2। ये वाला जो है
ये वाला एसिड आपके पास बना है। तो यहां एसिड देखो 1 2 3 4 5 6 सिक्स कार्बन होने चाहिए, सिक्स कार्बन है, और ये आगे अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, ये हीट की प्रेजेंस में ही आगे क्या होगा, पॉलीमराइज्ड होगा और बनाएगा CO CH2 5 और NH। ये वाली यूनिट बार बार क्या होगी, रिपीट होगी, इसी का नाम है नायलोन 6। क्यों, सिक्स कार्बन है इसलिए मैंने बोला है इसको नायलोन 6। इसी यूनिट को आप बार बार लिखें, H2O बाहर निकाले, एमाइड लिंकेज आ जाएगा, इसलिए यहां से कैप्रोलेक्टम से जो पॉलीमर बनेगा वो होगा नायलोन 6। ये वाला इसका आंसर आएगा। ओके, दूसरा नाम इसको परलोन के नाम से भी जानते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेचुरल रबर हेज ट्रांस कॉन्फिगरेशन, अल्टरनेट सिस एंड ट्रांस कॉन्फिगरेशन, रेंडम सिस एंड ट्रांस कॉन्फिगरेशन, ऑल सिस कॉन्फिगरेशन। तो सबसे पहले नेचुरल रबर की मैं आपको बता रहा हूं कि नेचुरल रबर की मोनोमेरिक यूनिट जो मैंने अभी बोली है, इस नेचुरल रबर की जो मोनोमेरिक यूनिट होती है, और आप समझेंगे इसको कि मोनोमेरिक यूनिट इसकी जो होती है वो होती है आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर मैंने बोला है कि CH2 डबल बॉन्ड CHC और CH3 डबल बॉन्ड CH2। और जब ये पॉलीमराइज होता है तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, और जब ये पॉलीमराइज होगा तो ये ऐसे बनेगा। आप इसको थोड़ा सा समझेंगे अब कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से वैलेंसी फ्री हो गई और इधर से वैलेंसी फ्री हो गई। तो आप देखें ये CH2 वैलेंसी फ्री हुई, फिर ये कार्बन और ये H इस पे लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इधर से अगर बात करें तो एक तरफ तो आ गया कार्बन और एक CH2 और ये CH3, एक यूनिट मैंने ये बोली। दूसरी यूनिट अगर मैं लिखूं तो ये CH2, ये कार्बन और ये H डबल बॉन्ड कार्बन और ये CH2 और ये CH3, ये यहां से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आप देखिए जो लिंकेज हो रहा है 1 2 3 4, मतलब कहां से जुड़ रहे हैं, 1 4 से जुड़ रहे हैं, और 1 4 साइड दोनों एक सेम साइड है, तो 1 4 सिस पॉली आइसोप्रीन को हम नेचुरल रबर कहते हैं। 1 4 सिस, 1 4 सिस क्यों बोला, क्योंकि 1 और 4 पोर्शन से क्या है, सेम साइड, इसलिए बोला 1 4 सिस पॉली आइसोप्रीन को हम नेचुरल रबर कहते हैं। और देखो यहां भी सिस कॉन्फिगरेशन है, यहां जुड़ा, यहां जुड़ा, यहां जुड़ा, यहां जुड़ा, मतलब हैव सिस कॉन्फिगरेशन। अगर ट्रांस होता तो हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं घाटा पार्चा, और अगर सभी सिस कॉन्फिगरेशन में है तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल रबर। तो सभी जो लिंकेज है वो सिस कॉन्फिगरेशन में है, तो आंसर जाएगा वो जाएगा 4th, ऑल सिस कॉन्फिगरेशन। ओके, नेक्स्ट, ये पॉलीमर से रिलेटेड थे। अब जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किससे, वो है बायोमोलिक्यूल से। डी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, यू नो हाइड्रोक्सिल एमीन जो है वो बोलते हैं H2NOH को, और हाइड्रोक्सिल एमीन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां से H2 क्या होता है, बाहर होता है और क्या बनाता है, ऑक्सिम्स बनाता है। ओके, ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड वाली रिएक्शन है। यहां मैं बोला है कि डी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन एंड यील्ड एन ऑक्सिम, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिम वुड बी। तो सबसे पहले डी ग्लूकोज की आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो देखें डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाए तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड ग्रुप, और यहां आपका ये सी एच टू ओ एच, बाकी जो ग्रुप लगे हैं वो ऐसे लगे रहते हैं, ये ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच, दिस इज डी ग्लूकोज, इसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज, मतलब ये स्ट्रक्चर आपके पास होनी चाहिए। इसकी रिएक्शन करवाई आपने हाइड्रोक्सिल एमीन से NH2 और ये OH, तो मैं बोल रहा हूं ये H2 क्या होगा, बाहर, जैसे वहां मैंने किया है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा HC डबल बॉन्ड NOH, बाकी ग्रुप एजिट रह गए, ये OH, ये OH एच, ये OH एच, OH एच और ये OH और ये H, ये वाला बनेगा ग्लूको ऑक्सिम। इसकी स्ट्रक्चर हमें चेक करनी है, तो आप इसमें देखें 3 OH इस साइड होने चाहिए, तो 3 OH अगर इस साइड हम देखें तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में नहीं है, सेकंड वाले में नहीं है, अगर इसकी बात करें तो यहां भी नहीं है, बट इसमें अगर हम देखें तो ये ऑप्शन सेट हो रहा है,
तो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोडक्ट अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस विच ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द लिवर ऑफ ह्यूमन बींग्स। निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में मानव यकृत में ग्लाइकोजिनेसिस उद्दीपित करता है। देखो सभी बायो के स्टूडेंट हो, यू नो ये सब आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, यहाँ जब स्ट्रेस होता है तो कौन सा हार्मोन स्टिम्युलेटेड होता है, वो होता है एड्रिनिल। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए कि एड्रिनिन इसके में काम में आता है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस एमिनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय, कि प्रोटीन में जो हमें यह पता है कि प्रोटीन एक बायोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, और प्रोटीन की जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो होती है अल्फा एमिनो एसिड। डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड या सेम एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा, और पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये वेल नोन क्वेश्चन है कि प्रोटीन में डिफरेंट एमिनो एसिड जो है वो पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। तो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए एंड डीएनए रेस्पेक्टिवली, आरएनए और डीएनए के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो हमें पता है कि आरएनए और डीएनए में अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन बोल रहा है द सुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज राइबोज, सही बात है यहां तक तो, एंड द सुगर कंपोनेंट इन डीएनए इज 2-deoxyribose, ये बात भी सही है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। आगे वाले को चेक कर लेते हैं। सभी को पता है आरएनए में राइबोज सुगर काम में आती है, जबकि डीएनए में दो नंबर से हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं, इसलिए बोल देते हैं डीऑक्सीराइबोज सुगर वहां पे काम में आती है। द सुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज एराबिनोज, मतलब ही नहीं है, गलत हो गया। द सुगर कंपोनेंट आरएनए इज 2-deoxyribose, ये भी गलत हो गया। द सुगर कंपोनेंट आरएनए इज एराबिनोज, ये भी गलत हो गया। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच वन गिवन बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। देखो नॉन रिड्यूसिंग सुगर का कंसेप्ट ये है कि यदि सुगर में ये ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटेल प्रेजेंट, देन उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग सुगर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग सुगर। और ऐसा ग्रुप अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है वो ऑल मोनोसेकेराइड, सभी मोनोसेकेराइड में होगा, लेक्टोज में होगा, माल्टोज में होगा, बट सुक्रोज में ये लिंकेज नहीं होता है। तो हेमी एसिटेल अगर ग्रुप प्रेजेंट है, हेमी एसिटेल इसको बोलते हैं जहां से फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो सकता है, और अगर ऐसा ग्रुप अगर आपके पास है ऑक्सीजन और इस पे अगर कार्बन लग गया तो यहाँ से प्री एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग सुगर। तो अगर स्ट्रक्चर दी हुई हो तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विच वन गिवन बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर। तो देखो लैक्टोज मैंने बोला ये रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज डाइसेकेराइड है बट रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर हम इसको कंसिडर करते हैं। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला है Ca+2 आयंस आर इंपोर्टेंट इन ब्लड कोटिंग। डेफिनेटली बायो के स्टूडेंट को यह भी पता होना चाहिए कि Ca+2 आयन ब्लड कोटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Ca+2 आयन आर नॉट इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। Mg+2 आयन आर इंपॉर्टेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स, आपको पता है क्लोरोफिल जो है वो Mg+2 का कॉम्प्लेक्स है और क्लोरोफिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। Mg+ आयन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद ATP, ये भी सही है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा इसका सेकंड। और ये क्वेश्चन जनरली बिलोंग एस ब्लॉक में भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट,
एंटीसेप्टिक एंड डिस्टिनफिकेंट्स आइदर किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बोला है एंटीसेप्टिक मतलब पूतिरोधी और डिस्टिनफिकेंट मतलब विसंक्रामी सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नीट 2013 का क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन को पढ़ें। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन प्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। ये पता होना चाहिए कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि बोरिक एसिड और हाइड्रोजन प्रोक्साइड बोथ आर एंटीसेप्टिक, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर है डिस्टिनफिकेंट हार्म द लिविंग टिश्यूज, ये भी डेफिनेटली बात है कि डिस्टिनफिकेंट लिविंग टिश्यूज को हार्म करते हैं, एंटीसेप्टिक नहीं करते, डिस्टिनफिकेंट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज एन एंटीसेप्टिक व्हाइल 1% सॉल्यूशन एक्ट एज ए डिस्टिनफिकेंट। ये बात भी सही है कि अगर कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो एंटीसेप्टिक डिस्टिनफिकेंट बन सकता है, डिस्टिनफिकेंट एंटीसेप्टिक बन सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लोरीन एंड आयोडीन आर यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग डिस्टिनफिकेंट, नहीं भैया आयोडीन तो एंटीसेप्टिक है, ये तो वेल नोन एग्जांपल है, दिस इज एंटीसेप्टिक, और जो क्लोरीन है वो डिस्टिनफिकेंट होता है, हम इसको वाटर में डालते हैं, वाटर को प्योर करते हैं, तो यहां पे हमें फाल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो फाल्स स्टेटमेंट जाएगा वो जाएगा फोर्थ फाल्स स्टेटमेंट हुआ। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली इज, देखो एस्पार्टेम जो है वो केवल कोल्ड कंडीशन में ही यूज ले सकते हैं, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक में यूज में ले सकते हैं, ठंडी चीजें बनाने में इस आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज में लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल है बट उससे ज्यादा टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल है, तो यहाँ यही पूछा है आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन, ये भी एनसीईआरटी की लाइन से है, तो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, तो आप देखें ओजोन एक्रोलिन और प्रोक्सी एसिटेल नाइट्रेट तो फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो भी इंक्लूड किया है मैंने यहाँ पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वाला इसका कंपोनेंट नहीं है, तो आंसर इसका जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, बायोथर्नल इज जनरली एडेड टू सोप एज एन एडेक्टिव टू फंक्शन एज एन, हमें पता है कि आप जब टाइप ऑफ सोप भरते हैं एनसीईआरटी में तो उसमें हम कुछ सोप में बायोथायोनल ऐड करते हैं, और हमें यह भी पता है कि बायोथायोनल जो है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, तो आप यहां देखें कि मिलाया जाता है, इस संयोजी का कार्य क्या है, बायोथायोनल क्या है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, इसलिए इसको मिक्स किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिसिक, कि निम्न में से कौन सा एक पीड़ाहारी है, ये पता होना चाहिए, नोवेलजीन जो है वो एनालिसिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट, फोग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, फोग किसका कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है, ये इसका कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, हम ये पढ़ते हैं कि स्टार्च एग्जाम्पल है बायोपोलीमर का, एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड का, और स्टार्च के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक एमाइलोज होता है और दूसरा एमाइलोपेक्टिन होता है। मैं बता दूं एमाइलोज जो है उसमें तो 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, वो लीनियर पॉलीमर होता है, रिपीट कर रहा हूं, एमाइलोज जो है वो लीनियर पॉलीमर होता है और जिसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो लीनियर पॉलीमर नहीं होता, ब्रांचिंग पॉलीमर होता है जिसमें 1,4 के साथ साथ 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होता है, और एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों की ही मोनोमेरिक यूनिट जो होती है वो होती है अल्फा डी ग्लूकोज। देखते हैं ऑप्शन क्या बोला है, एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज, ये तो गलत हो गया क्योंकि बीटा तो कहीं यूज में नहीं आता है, एमाइलोज इज मेड अप ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये भी गलत हो गया, दूसरा बोला है क्योंकि ग्लूकोज से बनता है, एमाइलोज है 1,4 अल्फा लिंकेज
एंड 1,6 बीटा लिंकेज, ये भी गलत हो गया, मैं बोल रहा हूँ बीटा लिंकेज तो इसमें होता ही नहीं है। एमाइलोपेक्टिन है 1,4 एल्फा लिंकेज एंड 1,6 एल्फा लिंकेज। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एमाइलोपेक्टिन नॉन ब्रांचिंग पॉलीमर है जिसमें 1,4 और 1,6 दोनों ही एल्फा लिंकेज होते हैं, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा 4th, जबकि एमाइलोज में केवल 1,4 लिंकेज होता है। नेक्स्ट, Which of the following compound can form a zwitterion? Zwitterion कौन सा बना सकता है? तो देखो zwitterion का concept क्या है? कौन सा compound zwitterion बनाएगा? If compound have both acidic and basic group, then can be form ज्विटर आयन। अगर किसी कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। सबसे पहले बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड तो ये हुआ, फिर ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन हमें पता है कि NH2, ये CH2 और ये COH, तो आप देखिए ये एसिडिक है और ये वाला पार्ट कौन सा है? बेसिक। तो यहां से H ये एक्सेप्ट कर सकता है और ये कन्वर्ट होगा, उधर हो जाएगा NH3 प्लस CH2 और ये CO माइनस। दिस इज ज्विटर आयन। तो आंसर तो अपना सेकंड आ जाएगा। एसिटिनिलाइड, एसिटिनिलाइड इस कंपाउंड को बोलते हैं। तो एमाइड लिंकेज है एसिटिनिलाइड। फिर है एनिलीन, एनिलीन इसको बोलते हैं, ये बेसिक है, ये बेस है, केवल बेस है इसमें। बेंजोइक एसिड, ये केवल क्या है? एसिड है। और ये जो है वो एम्फोटेरिक है, एमाइड एम्फोटेरिक नेचर की तरह भी हो करता है। तो यहां हमें ये पूछा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ज्विटर आयन, तो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करेगा ग्लाइसिन, तो आंसर जाएगा सेकंड। ऑल एमिनो एसिड कैन बी फॉर्म ज्विटर आयन, और ये ज्विटर वो डिपेंड करेगा, आप पढ़ते हो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाले कंसेप्ट से, आप इसको समझ सकते हो। ये जो क्वेश्चन थे वो हमने बात की कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो नीट 2013 टू 2019 तक आए हैं, उनको हमने टॉपिक वाइज डिस्कस किया है। इन सभी क्वेश्चंस के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हमारे सीएलसी के सीएलसी सीकर फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ आपको ये सभी वीडियोज अवेलेबल होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2020 एग्जाम।